हेलो एवरीवन, उपलैंड एकेडमी आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है भाई? टाइम एंड वर्क। और क्या है भाई? मैन और वूमेन। इससे पहले क्या हो रहा है हमारे पास? इससे पहले हमारे पास क्या हो गया? सिंपल टाइम एंड वर्क हो लिया भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था हमारे पास? लेफ्ट एंड बिफोर द हो गया था। उसके बाद क्या था? अल्टरनेटिव वर्क हो गया था। फिर इफिशेंसी के सवाल आए थे हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? मोर देन लेस देन के आए थे। अब आज क्या है हमारे पास? मैन और वुमेन। इसके बाद क्या होगा? कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन मैन वुमेन में आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? वेजेज आ जाएगा। लास्ट टॉपिक होगा हमारा टाइम एंड वर्क का, वेजेज। अब उसके इसमें क्या है हमारे पास? ये टॉपिक ना 3 से 4 नंबरों की वेटेज रखता है भाई हमारे पास। सीचेशल हो गया, एसएससी के जितने भी टेस्ट होंगे हमारे पास, मेन में भी 3 से 4 की ये कैपेसिटी रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का है भाई टाइम एंड वर्क, बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करो, प्रत्येक का नोट्स बनाओ भाई, अपने पोज करके देखो और इनके क्या है नोट्स बनाओ, जिससे ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है भाई। लेट्स स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्या है हमारे पास? 120 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डे। आफ्टर 10 डे 80 मोर मैन ज्वाइन, फाइंड द जॉब विल फिनिश्ड। ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या है भाई हमारे पास? कॉन्सेप्चुअल तरीका भी है और एक शॉर्ट तरीका भी है। कॉन्सेप्चुअल तो हमने कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्चुअल कराते हैं कभी तो। इसका शॉर्ट तरीका देखो क्या है। इसमें सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? मैन है, ठीक है। क्या है भाई? मैन है। मैन के अपुन में क्या आओगा? मैन आओगा हमेशा। अब जो होगा ना एड पर d-d1 क्या है हमारे पास? जो डे हमारे पास रिमाइंडर होंगे, ये माइनस भी उसका भाई और प्लस भी उसका है। करें बात क्या उसका? प्लस भी और माइनस भी, और यहाँ पर प्लस भी उसका माइनस भी। क्या भाई? रिमाइंडर मैन, ये m1 मान लो। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? रिमाइंडर, रिमाइनिंग। क्या मेरे भाई? रिमाइनिंग होगा। क्या होगा? रिमाइनिंग बचे और या एडिंग हुए और, या अभी सेम टू सेम क्या होगा? रिमाइनिंग, एडिंग और सब्सट्रैक्टेड वाले। अब ये इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे हम? सिंपल तरीका है। कैसे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या? 120 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डे। अब 120 आदमी होगा गुणा में, कितने दिन हम खत्म कर रहा है? 60 दिन हम खत्म कर रहा है। बट आफ्टर 10 डे, कितने दिन बाद भाई? आफ्टर 10 डे, यानी 120 आदमी ने कितने दिन काम करा? 10 दिन काम करे। सेट में से क्या घटा दोगे? अब डे है ना, डे में से क्या डे घट गया आफ्टर 10 डे। तो कितने आदमी हो गए इसमें? 80 मोर मैन कैन ज्वाइन। अब ये कितने मैन है? 120 है। 120 में 80 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई यहां पर? सेम। अब यहां पर रिमूव होना तो क्या होता? माइनस होता, ठीक है भाई। अब क्या होगा? 120 गुणा में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 200। 0 से 0, 0 से 0, 2 6 12, 6 5 कितना हो गया भाई? 30 दिनों में क्या होगा भाई? वो जॉब है खत्म हो जाएगी। देखो वह बहुत सिंपल है, कति बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब अगला ही सेम टू सेम देख लो कि भाई 80 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन कितने भाई? 40 दिनों में कर रहा है। सेम टू सेम आफ्टर 10 डे 20 मैन, इसमें क्या था? लेफ्ट, इसमें क्या था? ज्वाइंट हो रहे हैं। तो फाइंड द जॉब विल बी फिनिश्ड। ऐसे क्वेश्चन ना भाई हमारे सीचेशन में ना बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे जो एसएससी का हमारा प्री हो ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऐसे रेलवे में एनटीपीसी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं भाई, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। अब इसमें क्या है हमारे पास? सीसैट में पूछ जाते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन। 80 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन कितने भाई? 40। 80 मैन क्या है हमारे पास? मैन पहले क्या? 80 मैन कितने दिन भाई? 40 दिन में। अभी 80 मैन कितने दिन काम कर रहे हैं? आफ्टर 10 डे, यानी कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 डे। तो माइनस क्या होगा? 10 हो गया अपॉन मैन। अब उसके बाद क्या है? 20 मैन लेफ्ट, 20 मैन लेफ्ट पहले 80 थे, फिर 80 माइनस 20 क्या हो गया हमारे पास? कितने बच गए यहां पर हमारे पास? 60 बचेगा। इज इक्वल टू 80 गुणा में भाई हमारे पास यहाँ 30 बचा और यहाँ क्या बचा? 60 बचा। इससे कट काट दो, 3 2 6 है और ये क्या बच गया भाई? 40 डे इसमें खत्म हो जाएंगे। कितने दिन खत्म हो जाएंगे? 40 दिनों में खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद इन क्वेश्चन के बाद क्या है? 3 मैन 4 5 बुआए कैन कंप्लीट ए वर्क इन कितने भाई? 60 दिनों में करते हैं। फाइंड द 5 मैन और 25 बुआए कैन कंप्लीट इन हाउ मैनी डे। सबसे पहले हमने क्या करना है? तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमने? तो 3 मैन है और का मतलब इक्वल हो भाई, कितने दिन भाई? 60 दिन हम कर रहे हैं। और 5 क्या है हमारे पास? बुआए हैं, वो कितने दिन हम कर रहे हैं भाई? वो भी 60 दिन हम कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इक्वल है और मतलब क्या है? इक्वल है।
तो क्या होगा, ये कंप्लीट साइड से साइड कट गया। अब थ्री बॉय, थ्री मैन और पांच बॉय भाई। अब मैन के अपोन में बॉय आ जाएगा, यहाँ पांच बच गया, अब ये तीन आ गया। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पर भाई, पांच आ गया। बॉय कितनी आ गई हमारे पास, तीन आ गई। ठीक है भाई, अब इसमें टोटल बर्डन कैसे निकाल लोगे? टोटल बर्डन चाहे तो इस खन्ने में बी की वैल्यू पुट करो एफिशिएंसी, या इस खन्ने में मैन की एफिशिएंसी करो, तो टोटल बर्डन आ जाएगा। वो टोटल बर्डन क्या हो गया हमारे पास भाई, थ्री। मैन कितना भाई, पांच गुणा में साठ, पांच दिए पंद्रह, पंद्रह छीके नब्बे, यानी 900 हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्कडन हो गया। अब 900 टोटल वर्कडन हुआ है, कितना है भाई, 900 टोटल वर्कडन हुआ है। अब इसमें क्या है, हमने किसका क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है, हमने पांच मैन और क्या है हमारे पास, 25 बुआए। इसका एक दिन का निकाल लो, मैन कितनी एफिशिएंसी है भाई हमारे पास, पांच है, और बुआए कितनी है हमारे पास भाई, तीन है। पचो पचो पच्चीस, पच्चीतिया पिचहत्तर, कितना हो गया हमारे पास, 100 हो गया। तो ये निकालेंगे भाई, एक दिन की एफिशिएंसी कट गई भाई इनकी, टोटल वर्डर कितना हमारे पास भाई, 900 अपॉन में 100। तो कितने दिन हम काम खत्म करेंगे भाई, ये 9 दिनों में काम खत्म करेंगे। कितने दिनों में काम खत्म करेंगे भाई, 9 दिनों में। अब भाई ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया इसका, सिंपल सा। अब ये शॉर्ट ट्रिक देखो भाई, इसकी शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा हमारे पास, इसकी शॉर्ट ट्रिक में उतार लियो भाई ये पॉज करके लेक्चर को। इसकी शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा हमारे पास, हमारे पास जो भी होगा ना, क्या भाई, ये पांच मैन हो गए और भाई तीन मैन हो गए और पांच बॉय हो गए, कितने नाम है, साठ नाम है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी है, तीन गुणा में पांच गुणा में साठ, तीनों को क्या है, गुणा कर देना बस। और जो सा हमने निकालना है ना, जैसे ये निकालना, हमें ये निकालना है, इसको कैसे करना है, जो मैन है ना यहां वो बॉय के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो क्या है, बॉय पांच है, बॉय पांच है और मैन कितना है भाई, पांच है, बेटा पांच लिखो ना, ठीक है। और भाई बॉय यहां पर क्या है, निकालना है 25 है और मैन कितना है भाई, तीन है। यहां पर उल्टा उल्टा करना है, बॉय को मैन के साथ और मैन को बॉय के साथ, ठीक है, सेम टू सेम ही आ जाएगा भाई। पांच थी पंद्रह, ये कितना आ गया भाई, 900, पचो पचो पच्चीस थी पचहत्तर, 100, कितना आ गया, 9 डे, सेम आ गया ना उस पर गए। ये इसका क्या है भाई, शॉर्टकट है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरीके से भी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह डायरेक्ट भी हो सके, कैसे, ये हमारे पास ये शॉर्टकट है भाई इसका, क्या है भाई, चार गुणा में सात गुणा में 80, मैन भी जो गिवन है ना, मैन वुमैन उसका डे। और फिर यहां पर अल्टरनेटिव हो गया, पांच मैन है, यहां पर कितना है भाई, पांच मैन है और कितना है भाई, सात बॉय है, और भाई 35 बॉय है और क्या है भाई हमारे पास, प्लस में 35 बॉय है जिनसे निकालने हैं, चार मैन है, ठीक है भाई। अब इसकी आपस में गुणा कर दो भाई, अब गुणा करने के बाद क्या होगा हमारे पास, ये हो गया भाई, सात सात चौके 28, 28 को 8 से करोगे 64, ऐसे लगे अच्छा है, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया भाई, 22 हो गया, यानी 2240 इसका हो गया। अब ये देखो, 7 पंजे 35 प्लस में 5 चौके 20, ऐसे लगे 2 4 3 12 और 2 14, 5 4 3 7 1 175 ये हो गया भाई, ठीक है भाई। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन में आप क्लिक करते हुए, ठीक है भाई। बोलो क्या समझ में नहीं आया, सिंपल शॉर्टकट ही बता दिया इसका, कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा भाई, 12 मैन प्लस में 18 वुमेन कैन डू ए वर्क इन कितने भाई, 10 दिनों में। तो वाइल 3 मैन और 18 वुमेन कैन डू ए वर्क इन भाई 12 दिनों में, तो इन हाउ मैनी डे 2 मैन प्लस में 3 वुमेन विल कंप्लीट दिस वर्क भाई। देखो भाई, सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से करने लगे हैं, उसके बाद क्या हम इसके बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्या हमारे पास भाई, 12 मैन प्लस में 18 वुमेन कैन डू ए वर्क इन कितने भाई, 10 दिन हम खत्म करें। उसके बाद क्या हमारे पास भाई, 3 मैन प्लस में 18 वुमेन, 3 मैन और 18 वुमेन कैन डू ए वर्क इन कितना भाई, 12 दिन हम करें, ठीक है भाई। कलर बात अब इसने काट दो,
दो पंजे दस, दो छीके 12, 12 पंजे कितना हो गया भाई, यहाँ 60 हो गया, 18 पंजे कितना हो गया भाई, 90 हो गया। ठीक है भाई, ये कितना है भाई, 6 3 18, 18 पंजे 90, 18 छीके भाई 108। ठीक है भाई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कलर बात। अब उसके बाद क्या है हमारे पास है? अब इसमें क्या है, मैन वाले एक साइड ले लो, वो मैन वाले एक साइड ले लो। ठीक है भाई, अब क्या हमारे पास, 60 मैन माइनस 18 मैन, 108 वुमेन, उन लेगा नहीं, माइनस का आ जाएगा, 108 वुमेन हो गया भाई। इसमें से एक हटाओगे, 18, 60 में से 18 का कितना बच गया भाई, 42 बच गया। अब 90 में से 108 यहाँ पर क्या बचेगा, 18 बच गया भाई। अब ये वुमेन मैन के पोन में चल जाओगी, ये 18 पोन में कितना हो गया भाई, 42 हो गया। अब काट दो इसके साथ, क्या कटेगा, 6 3 18, अरे भाई 6 36, 6 7 42, 3/7 एफिशिएंसी। मैन की कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, वो मैन की कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है भाई, अब टोटल वर्क डन क्या है, या इसमें पुट करो या उसमें पुट करो, एज यू विश, थारी मर्जी है भाई, कोई से पुट करो। ये वैल्यू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 12 गुणा में 3 और 18 गुणा में 7 गुणा में भाई 10। ठीक है भाई, 12 12 में 24 भारतीय 36, 18 5 90, 18 6 108 और 18 7 126। अभी कितना होगा भाई, 6 6 12, ऐसे लग गया 1 3 और 2 5 और 1 6 1, कितना आ गया भाई, 6220 आ गया। ये टोटल बढ़ना क्या, अब निकालना क्या था भाई, दो आदमी और तीन वुमेन इकट्ठे मिले कितने करेंगे भाई, आदमी कितनी है भाई, 3 है, और वुमेन कितनी है भाई, वुमेन कितनी आएगी हमारे पास, 7 आएगी। अब 3 2 6 7 21, 6 और 1 27 हो गया भाई। अब 27 को इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे, तुम्हारे पास 6220 अपॉन में 27। अब इसको इस साथ डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई, कहाँ पर जाओगे हमारे पास, ये 6 पर जाओगे, 27 6 162, 6 60 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है मेरे भाई, बोलो भाई क्या चीज समझ में नहीं आई, जल्दी बताओ। वो कह रखे कि भाई एक मैन दो वुमेन और थ्री बॉय कैन डू ए वर्क इन कितने भाई, 44 डे, मतलब 44 दिनों में करा है, तो एक आदमी एक वुमेन एक बॉय इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें क्या हुआ, सिस्टम और का मतलब क्या, इज इक्वल एक मैन गुणा में 44 भाई इज इक्वल, अब दो वुमेन गुणा में 44 भाई इज इक्वल भाई थ्री बॉय गुणा में 44 भाई। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करोगे, इसमें सिंपल तरीका है मेरे भाई जी। अब 44 तो 44 कट गया, कट गया ना, हमारे पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, क्या बचेंगे, एक मैन दो वुमेन और 3 बॉय, इनका एलसीएम कितना ले लेंगे भाई, इनका एलसीएम 6 हो जाएगा, 1 2 3, 3 2 6, यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6 आएगी, वुमेन की कितनी आएगी, 3 आएगी, और बॉय की कितनी एफिशिएंसी आएगी, यानी हमारे पास मैन दो वुमेन और 3 बॉय, इनका एक दिन का काम कितना हो गया, 1 डे वर्क, इसका 6 हो गया भाई, इसका 3 हो गया, इसका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है भाई, अब टोटल वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन में क्या था हमारे पास, एक दिन क्या हमारे पास, इनमें से कोई से एक में क्या वैल्यू पुट कर लो, जैसे 44 गुणा में 6, ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क डन। कलर बात इतनी बात समझ में आ गई, ये होगा टोटल वर्क डन। अब हमने क्या बात करना, एक दिन का सुबह करना, अब एक दिन का वर्क डन क्या है, ये है सारा का, कितना हो गया, 6 और 3 9 और 2 11 यूनिट हो गया भाई, 3 हो गया एक दिन का यूनिट, यानी एक मैन प्लस में एक क्या हमारे पास वुमेन प्लस में एक बॉय इजुअल कितना है, 11 यूनिट है, 11 चौके 44, तो 6 चौके 24, यानी कितने दिनों में खत्म होगा भाई, ये 24 दिनों में इस काम को खत्म कर देगा। उसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही है, फूड फॉर 40 सोल्डर्स फॉर द 31 डे, भाई सेम टू सेम वही है भाई, 40 मैन लगा लो, सोल्डर लगा लो, 40 गुणा में 31, यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर आवा अपोन में, आफ्टर 28 डे -28 हो जाएगा भाई, यहाँ अपोन में भाई इसके क्या, 280 सोल्डर हमारे पास क्या है लेफ्ट बचेंगे, 280, अब 400 में 280 घटाओगे
कितना आ जाएगा हमारे पास, दो तीन 120 बचेगा, अपॉन में कितना आ गया भाई 120, चार गुणा में यहाँ पर 400 गुणा में यहाँ पर क्या बच गया भाई, तीन बचेगा 2803, यहाँ पर क्या 120, इस तरह कट गया भाई, तीन चौके 12, तो इसका कितना आ गया भाई 10 दिन आ गया। बोलो भाई क्या समझ मेरे आई, सिंपल क्वेश्चन थे ना वो सारे। क्वेश्चन क्या है, देर आर द सफिशियंट फूड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ए मैन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ए डे, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सर्टेन नंबर वाले कंफ्यूज करते हैं बच्चों को ज्यादातर, ठीक है भाई। इसमें क्या क्या रखा है, आफ्टर ए 20 डे 1/4 ऑफ मैन लेफ्ट द कैंप एंड द रेस्ट ऑफ द फूड विल बी द लिस्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ ए डे दैट आर इन द स्टार्टिंग, तो फाइंड द नंबर ऑफ डे इन द स्टार्टिंग, तो हमने याद करना है भाई। ये सबसे पहले क्या है हमारे पास, ना तो हमारे पास क्या दे रखा है, क्या दे रखा है फूड फॉर सर्टेन, ना तो मैन की संख्या दे रखी है और ना ही वह कितने दिन हम खत्म करें उसके डे दे रखे हैं, तो क्या लिखे हम सीधा मैन, जो चीज है हम उसको नुकानु लिख देंगे भाई, मैन गुणा मैन, उसके बाद क्या करते गुणा डे। अब उसने क्या रखा है आफ्टर ए 20 डे, अब डे यहां पर माइनस होगा आफ्टर ए 20 डे अपॉन में, क्लियर बात। अब आफ्टर ए 20 डे डी माइनस 20 हो गया, अब 1/4 मैन लेफ्ट द कैंप, अब 1/4 मैन लेफ्ट द कैंप, 1/4 बचे हैं, तो मैन में से 1/4 मैन घटाओगे हम तो कितना बचा है यहां पर, 3/4 बचा, एलसीएम ले लेंगे ना इसका, इसको ढंग से लिख ले भाई, ठीक है इसका एलसीएम ले पाँच कितना बचेगा भाई, तीन मैन अपॉन में कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, ठीक है भाई कलर बात, तो कितना 3 मैन अपॉन में 4, कलर बात। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, ये चीज समझ में आ गई भाई, अब उसके ऊपर क्या है ऊपर ले जाओ इसको भाई, चार मैन गुणा में डी अपॉन में 20 अपॉन में 3 मैन, क्लियर भाई। अब भाई इस मैन से ये मैन कट गया, क्लियर बात है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या रखा है इन्होंने, इसके बाद क्या क्या रखा है इन्होंने कि अब डे ज्ञात करना हमें, क्या ज्ञात करना है डे, तो हाउ मैनी डे, हाउ मैन नंबर ऑफ डे दैट आर इन स्टार्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ डे इन स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में जो डे में चालू करते हैं ना उन्हें कितने दिन है, यहां पर क्या होगा डे, स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास दिन, किसके डे के बराबर तो आ रहा है ये सब कुछ, डे के बराबर तो रह रहा है, तो भाई इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी क्या होगा 3 मैन हो गया, 3 डे हो गया सॉरी, 4 डे माइनस 80 इज इक्वल 3 डे, अब ये सेव लेकर नहीं जाएगा ये प्लेन चल जाएगा भाई, 80 कितने दिनों में चलेगा भाई वो 80 दिनों में, क्योंकि ये सारा किसके इज इक्वल आता है भाई दिन के इज इक्वल आता है, तो वो दिन हमारे को गिवन नहीं दे रखा है, ये चीज निकाल ली डे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब ये क्या है ये 3 उल्लेखन नहीं होगा तो माइनस हो गया, एक दिन बच गया यानी डे कितने आ जाएंगे हमारे पास 80 आ जाएंगे। बोलो भाई क्या चीज समझ में नहीं आई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ए टीम ऑफ द 30 मैन इज टू बी सपोज टू डू ए वर्क इन 38 डे, आफ्टर 25 डे 5 मोर मैन इंप्लॉयड ऑन द वर्क एंड ड्यू टू विच द वर्क इज कंप्लीट 1 डे अर्ली, फाइंड हाउ मैनी डे वुड इट हैव बीन ए डिले इफ 5 मोर मैन वर नॉट इंप्लॉयड, अगर वह 5 आदमी ना ऐड कर दे तो काम कितनी लेट समाप्त होता। अब इसने क्या रखा है इन्होंने कि 30 आदमी इज सपोज टू डू ए वर्क, 30 आदमी ना मान ले 30 आदमी किसी काम को कितने दिन हम कर रहे हैं 38 दिन हम कर रहे हैं, कितने दिन हम कर रहे हैं जो भी आवर्ती है इक्वल मिनट की जरूरत होती है हमें, कितने दिन हम कर रहे हैं 38 दिन हम कर रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहे हैं उन्होंने आफ्टर ए 25 डे 5 मोर वर एम्प्लॉयड ऑन द वर्क ड्यू टू विच वर्क इज कंप्लीटेड इन ए 1 डे अर्ली। अब उसके बाद क्या है भाई 30 मैन गुणा मैन, 30 मैन गुणा में यहां पर क्या लिख देंगे हम भाई, क्या लिख देंगे 25 दिन, घटा हो जाएगा ना इसमें डे में था क्योंकि है भाई 38 डे आफ्टर 25 डे, अब 38 में तो 25 के कितना बच गया हमारे पास 25 में, सेम कॉन्सेप्ट है ना वही, अब इसकी गुणा कर दो 25 दिए 75 भाई कितना आ गया हमारे पास भाई 750 आ गया। अब इन्होंने उनका दिया 5 मोर मैन, मैन बढ़ गए तो क्या हो गया यहां पर मैन 35 हो गए,
ठीक है, कितने हो गए भाई, 35 हो गए, गुणा में कलर बात। अब ये चीज देखो यहां कंफ्यूजन बनती है बच्चों को, क्या बनती है, अब हमारे पास क्या 38 दिन है टोटल, अब हमने 25 यूज कर लिए, तो कितने बचे हैं यहां से, इनके बीच में कितने बचे हमारे पास, कितने बचे भाई, 25 तो यूज हो गए, कितने बचे, 12 बचे, क्योंकि 25 काउंट निकलना है हमें, 26 से आना क्योंकि 25 कंप्लीट हो गए हमारे पास, ठीक है, तो कितने बचे हमारे पास, 12 दिन बचे। अब 12 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई, 420 आओगा, 12 पंजे 60 ऐसे लगे, अच्छा 12 चौबा 36 हो 42, अब इसकी प्लस करते हो कितना आ गया भाई, 1170 आ गया। अब 1170 आया हमारे पास, टोटल डे कितने थे हमारे पास भाई, टोटल मैन कितने थे हमारे पास भाई, 30 मैन थे, कितने मैन थे भाई, 30 मैन। अब 30 मैन को इससे डिवाइड करते हो, 3 3 9, यहाँ क्या 3 में 27, अब यहाँ क्या है 30 मैन कितने, 38 दिन हम खत्म कर रहे हैं, यहाँ कितने खत्म कर रहे हैं भाई, 39 दिन में, कितने नाम है 39 दिन, अगर 5 आदमी ना ऐड करेंगे तो काम क्या हो जाएगा, एक दिन डिले हो जाएगा, कितने दिन डिले हो जाएगा भाई, एक दिन। बोलो भाई क्या चीज समझ नहीं आई, जल्दी बताओ, है टाइम एंड वर्क का मैन और वूमैन का क्या हो गया हमारे पास, सिंपल मोड हो गया, कितना हो गया, कौन सा हो गया भाई, सिंपल मोड होगा, सिंपल वैसे में एडवांस भी दो तीन कॉन्सेप्ट। अब अगला जो होगा ना वो क्या होगा भाई, कौन से मोड में होगा भाई, वो एडवांस मोड में होगा, किस मोड में होगा, एडवांस मोड में, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने आज करा ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द सीजीएसएल के लिए, और क्या है भाई एसएससी के लिए, कोई भी एग्जाम होगा एसएससी का, बैंक का, आरबीएल, कोई भी बैंक, किसी भी बैंक टेस्टिंग का हो गया, और हमारे पास क्या है एनटीपीसी का, इसका भाई एनटीपीसी रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई टाइम एंड वर्क। तो मेरे भाइयों अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।